आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, आज के समय में दुनिया की लगभग 90% आबादी नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी हो गई है, जिसमें से लोगों को गाय, भैंस और अन्य प्रकार के मांस खाने की आदत हो गई। हिंदुस्तान में गाय की पूजा की जाती है, गाय में करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, मगर इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाय का मांस यानी बीफ पसंद है। इसी बीफ को लेकर देश में कई बार लीचिंग की घटनाएं भी हुई, कई बार विवाद हुए, हंगामा हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या बीफ खाना सही है या नहीं? बता दें, बीफ एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील नंबर वन देश है, वहीं अपना देश भारत भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है। मोदी सरकार के राज में देश में बीफ निर्यात पिछले समय के मुताबिक बढ़ा है। एक सर्वे के अनुसार भारत में करीब 71% आबादी मांस खाना पसंद करती है। ऐसे में अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डिपार्टमेंट ने दावा किया कि मोदी सरकार बनने के बाद भारत को बीफ एक्सपोर्ट 5% यानी कि 5% बढ़कर 20 लाख टन हो गया है, जिसमें चीन जैसे देशों ने भारतीय बीफ की मांग को बढ़ावा दिया है। बीफ और गो हत्या के मुद्दे पर देश का सबसे बड़ा, सबसे आश्चर्यजनक सच ये है, जो मोदी सरकार अपने आप को गो माता का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, उन्हीं के राज में भारत दुनिया का 5वां और एशिया का पहला सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करने वाला देश बन गया। भारत में बीफ के सालाना कारोबार की रकम करीब 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बता दें कि बीफ का खाना ना खाना ये निर्णय व्यक्ति के धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है। ऐसे में धार्मिक और सामाजिक संकेतों के आधार पर बीफ खाना हर देश और समुदाय के बीच अलग अलग हो सकता है। हिंदू और जैन धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और इसमें बीफ का सेवन वर्जित है। जी हाँ, भारत में बीफ खाने पर विवाद है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक है। बीफ खाने के संबंध में कई राजनीतिक विवाद भी देखे जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला और पश्चिम बंगाल इसका मुख्य उदाहरण है। यहाँ बीफ का विवाद अक्सर राज्यों के आम चुनावों पर देखा जाता है, जिसमें अक्सर बीफ सेवन को राजनीति का मुद्दा बनाया जाता है और इसे विभाजन और वोटों के वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक देशों की बात करें तो बहुत से देशों में बीफ खाने पर प्रतिबंध नहीं है। इसके उदाहरण के रूप में अमेरिका, कैनेडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। यहाँ बड़े स्तर पर बीफ का उत्पादन और उपभोग होता है। इन देशों में लोग अपनी पसंद के अनुसार बीफ खाने का अधिकार रखते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में कई राज्यों में बीफ खाने पर प्रतिबंध है। भारत में बीफ के खिलाफ विभिन्न राज्यों में धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के कारण प्रतिबंध है। भारत में बीफ खाने पर कुछ कानून भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण बहुत सारे लोग गाय की पूजा अर्चना और उनके पवित्र मांस के सेवन के विरोध में रहते हैं, जिसके चलते देश के कुछ राज्यों में गौ रक्षा कानून मौजूद है, जिसके अंतर्गत गौ हत्या निर्मूलन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके चलते बीफ मांस का सेवन, बीफ व्यापार कई राज्यों में अवैध है। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो बीफ भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में रोजगार पाते हैं और इसका उपयोग भारतीय बाजार और विदेशी व्यापार दोनों में होता है। इसके अलावा विदेश में आने वाले पर्यटक भारतीय बीफ को अधिक पसंद करते हैं। बता दें, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अच्छे शोधकर्ता थे। उन्होंने गोमांस खाने के संबंध में अपनी किताब अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने में लिखा कि क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। अपने लेख में अंबेडकर ने हिंदुओं के दावे को चुनौती देते हुए कहा था कि गाय को पवित्र माने जाने से पहले गाय को मारा जाता था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अपनी किताब में अंबेडकर ने लिखा है, ऋग्वेद काल में आर्य समाज गाय गौमांस खाने के शौकीन थे। वहीं शोध में यह भी कहा गया कि एक समय पर हिंदू भी गौमांस खाया करते थे।
उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब हिंदू जिनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों थे, वे ना सिर्फ मांस बल्कि गौमांस भी खाते थे। ऐसे में गौमांस यानी बीफ खाने या ना खाने का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।